आज होता क्या है, हम कभी किसी से दोस्ती करते हैं, बड़ी गहरी दोस्ती होती है हमारी, बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, ताल्लुक़ होता है। अचानक एक दिन आता है ना, हम उस बंदे को छोड़ देते हैं, हमारा ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? दोस्त बड़ा कमीना निकला, बड़ा निकम्मा निकला, बड़ा बेवफा है। हम उसको बेवफा का ताना दे करके ना छोड़ दिया करते हैं। मगर सर, उस बंदे को छोड़ने से पहले ना आप ये बात कभी मत भूलिएगा कि शायद उस बेवफा के पास ना एक ही वफादार था, और वो थे आप। अब अगर आप भी उसको छोड़ देंगे ना, तो कौन होगा उस बंदे का यार, कौन उसको साथ लेकर के चलेगा? सर, ये आपका इम्तिहान होता है, ये आपको ये किरदार निभाना है कि उस बंदे को साथ लेकर के चलना है। एक खोटे सिक्के को आपको चलाना है सर, आप एक खोटे सिक्के को आपको चलाना है, ये किरदार आपको निभाना है। आपको पता है जो ट्रेन का, जो रेल का जो इंजन होता है ना, वो अपने आखिरी डब्बे को भी साथ लेकर के चलता है, इसलिए वो इंजन कहलाता है। तो आपको बेवफाओं के साथ वफा करनी है, आपको उनको सबक सिखाना है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क्या इरशाद फरमाया, सिल मन कता का वाफु अमन सलामा का व अहसिन इला मन असा इलैक, कि जो रिश्ता तोड़ने पर आमादा है ना, आपको उससे रिश्ता जोड़ना है। जो दुश्मनी करने पर आमादा है, आपको उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। जो आप पर जुल्म कर रहा है, उसको माफ़ कर दीजिए। जो आपके साथ बदसलूकियाँ कर रहा है, आप उसके साथ बदमाशी पर आमादा है, आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, आप उसको इंसान बन करके दिखाइए। ये उसके लिए आईना होगा मेरे भाई। तो अच्छा, अब इसमें आपकी इज्जत नहीं घटेगी मेरे भाई। जो लोग अपने रिश्ते बचाने के लिए ना कभी कभार झगड़े हार जाते हैं, बहस को हार जाते हैं, लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए ना वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो बुजदिल नहीं होते यार, उनके अंदर इंसानियत होती है। वो बहस जीत करके रिश्तों को हारना नहीं चाहते बेचारे, इसलिए वो बहस से पीछे हट जाते हैं।